तो आज लेट होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया और डायरेक्ट लंच पे आ गए हैं। तो ये बीफ के कुछ बने हुए हैं, टिकिया से और आलू है, ब्रेड है, कोक है, ये जड़े से बनाई है और ये पोर्क और बीफ मिक्स किया है। ठीक है, आई थिंक ये वेजिटेबल्स का बना हुआ है कुछ और आज हम ये खाने लगे। सो लेट्स स्टार्ट लंच। तो अब हम निकल रहे हैं अगले म्यूजियम के लिए, तैयार शहर हो गए और निकल गए हैं दूसरे। कल हम एक और म्यूजियम गए थे, आज हम दूसरे म्यूजियम जा रहे हैं। ऐसे ही बस हम म्यूजियम से म्यूजियम घूमते रहे। और ये बेगम देखिए अभी तक तैयार नहीं हुई, यार तू ले गई थी क्या बात कर रही है। ये बड़ा देखिए बेगम मेरी ऐसे ही है, तुम अगले बंदे पर इल्जाम लगा देती है। तो वो चीज़ भूल जाएगी ना, दूसरे में लगा देगी इल्जाम के आपने आपके पास थी। तो अब हम निकल रहे हैं दूसरी जगह के लिए। तो हम निकल पड़े हैं एक और म्यूजियम के नाम से। फिर बड़ी सी नेम ऑफ द म्यूजियम मुझको म्यूजियम पूछे हम। ओके मे बी आई गेट कैन प्रोनाउंस इट बेटर। पूछे तो ओके देयर आर सो मेनी प्रोनंसिएशन बस हम We are going to that museum. I will show you the museum later. बेगम ने बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहना और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बेगम तैयार हो गया आज। म्यूजियम पहुँचते हैं फिर, अगर रास्ते में कुछ जगह आई तो जरूर खाऊँगा आपको। ठीक है ठीक है, दिखा देता ये विला रेम है यहाँ पे लोग रहने के लिए है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम अंदर जाएंगे, जहाँ पे कल्चरल चीज़ें कुछ हैं। हम अंदर आ गए हुए हैं और ये अंदर का व्यू है और ये भी हम ये टूर खुद देंगे, हमें सारा चीज़ों के बारे में बताएंगे भी कि क्या क्या है। तो अभी हमें पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हम करने आए हैं यहाँ पर। Right, so 5,000 years before present, and this is the context for you. So we can start with the first story of all. New happens. This wasn't just the old demographics living a new life, it was the old demographics mixing with the new demographics. Specifically, we're saying that these nomadic tribes that lived mostly here in these southern Russian steppes moved all over the world, and some of them came. ये सब ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल जर्नल्स हैं जो कि यहाँ के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये उनके पास से मिली हैं चीज़ें। और ये सारे हैं वो लोग,
ओरिजिनल चीज़ उनको मिली है, ये पत्थर की बनी हुई है, मोल्ड है, इससे फिर वो बनाते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें डाल डाल के बनाते हैं। बाकी जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो गल गुल जाते हैं, तो इसीलिए स्पेसशिप में आ गया हूँ। ये कुछ इनके यहाँ पे ग्रेव्स लोगों के मिली हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्स के ऊपर बनी हुई है। उनको दफनाने का तरीका जो है वो स्टार्स के ऊपर है। ये देखें, ये मार्स, ये वीनस, और ये पेरिस, और ये ओरायन, एक स्टार की मूवमेंट है। ये जेमिनी के तरीके से इनको दफन किया हुआ है। ये एज अ सेक्रीफाइस, मतलब कुर्बानी के तौर पे इनको किया होता है, दफन किया हुआ है, ताकि इनकी कम्युनिटी वगैरह जो है वो सही रहे, कोई मसला ना हो, कोई गॉड्स वगैरह। वो लोग हैं जिनको तैयार किया गया है प्रॉपरली इस चीज़ के लिए, पूरी ज़िंदगी तैयार किया जाता था। ये ऐसे ही हर मतलब कि कुछ ऐसे ही कोई बंदा देख नहीं लेता था इनको, शुरू से बचपन से बताया जाता था कि इनके साथ ये होना है, और ये इस चीज़ के लिए प्राउडफुल होता था, फख्र महसूस करते थे कि हमें दफन किया जा रहा है या हमें मारा जा रहा है। हम आ गए हैं सिटी ऑफ वैंकूवर में, और ये इसका सेंटर तो नहीं है, खैर ये जहाँ पे हम उतरे हैं अभी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बताएं बेगम कहाँ जा रहे हैं फिर? हम जा रहे हैं कैसल देखने के लिए, यहाँ पे और अब म्यूजियम बन चुका है, और इस साइड और बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो हम जा रहे हैं देखने एक कैसल जो कि अब म्यूजियम है, यहाँ का क्या बना हुआ है। यहाँ मैं आ गया हूँ, ये वैंकूवर का एक कैसल है, और काफ़ी पुराना कैसल है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा बनाया गया है। आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ्रंट है कैसल का, बहुत प्यारा, और मैं आपको साइड दिखाता हूँ। देखिए सामने दरुम रिवर है, जहाँ पे एक अच्छा व्यू मिलता खड़े होके, वो सामने फोर्ट बना हुआ है जिसे पता चलता कि कैसल था। कैसल के अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी कभी बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, बहुत प्यारा ये साइड सीइंग है। हम आ गए हैं दनूब के बिल्कुल पास, और ये देखें कितना प्यारा व्यू है इसका, रिवर का। लोग यहाँ पे नहा रहे हैं रिवर पे। जहाँ पे वैंकूवर में हम आए हैं वो बैक पे चर्चिज हैं, ये इनका सेंटर है, यहाँ पे सारी फिशिंग करने के लिए लोग आते हैं। उस सामने क्रॉस बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चल रहा हूँ इसलिए माजरत है। तो ये सारी ऐसी वीडियो है, एक काइंड ऑफ अ सिटी का सेंटर है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह बहुत ज़्यादा
उस सामने ब्रिज है और एक सामने एक बिल्डिंग है येलो कलर की. तो अब हम जा रहे हैं. लेट्स गो. तो ये सामने ब्रिज बना हुआ है. ये देखिए कितनी प्यारी सिटी है. ये सुकून. तो अब हम आ गए हैं वहाँ से म्यूजियम से और अब हम डिनर करने लगे हैं. डिनर में है ये पास्ता प्लस गाजर और मटर का सूप जो कि बहुत हेल्दी है. साथ में कोकोला दिया ताकि आप इसको अनहेल्दी कर सको. ये मैंने लिया है और ये मैंने टेस्ट किया है. इट्स क्वाइट टेस्टी. इसके बाद ब्रेड वगैरह होती है. अभी बाकी का खाना अभी आ रहा है. मैं भी दिखाता हूँ. आज हमारा फिर से यही है खाने में और इसके साथ डिफरेंट चटनीज हैं. तो ये कुछ ज़्यादा ही खाते हैं इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है. और वो सटता ये डिनर है मेन डिनर. हम ये खाने लगे हैं फिर निकलते हैं.